हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्रेंड्स, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्स डायरेक्शन में, अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन बोलें, और एक होता है वाई डायरेक्शन में, अगर हम इसको वाई डायरेक्शन बोलें। फ्रेंड्स, सपोज करिए हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल थीटा पर थ्रो करें एयर में विद अ वेलोसिटी यू। तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक जो एंगल की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं यू कॉस थीटा, और इस एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे यू साइन थीटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल को देखें तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन फ्रेंड्स, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए एक एक्सीलरेशन होगा माइनस जी के बराबर एक एक्सीलरेशन होगा। और फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन वाई डायरेक्शन एंड नो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। और फ्रेंड्स, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। वेलोसिटी मतलब मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अगर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की बात करें, कई सारे पैरामीटर कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है फ्रेंड्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, तो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है जो कि है यू साइन थीटा, और फ्रेंड्स एक्सीलरेशन है वाई डायरेक्शन में जो कि है माइनस जी के बराबर, और फ्रेंड्स मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हमने प्लस में लिया हुआ है। प्लस में इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एच मैक्स, और फ्रेंड्स फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। अब फ्रेंड्स, ए से बी के लिए हम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, प्लस टू इंटू एक्सीलरेशन माइनस जी इंटू एच मैक्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट का हमारे पास वैल्यू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, नहीं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा पैरामीटर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ। तो फ्रेंड्स, लेट अस कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने, तो फ्रेंड्स ये हमें हाफ टाइम दे देगा, ये हाफ टाइम दे देगा। तो फ्रेंड्स, ए से बी तक अगर हम मोशन कंसिडर करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन है माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो, टाइम में कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आएगी वैल्यू वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन माइनस जी और टाइम। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास हाफ टाइम की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा जी। फ्रेंड्स, जितना टाइम इसको यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा, अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो।
जेई 2022 में यहाँ पर ले जा बी पॉइंट पर ले जाकर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर दी थी, तो वो एक अलग क्वेश्चन बन गया था। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जितना टाइम ऊपर इसको जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको बाकी का आधा चलने में लगेगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा पैरामीटर हमारे पास आता है रेंज। रेंज है फ्रेंड्स ए टू सी, टोटल ट्रेवल्ड पाथ। तो फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मोशन कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, ए टू सी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, और फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है जीरो, टोटल टाइम है कैपिटल टी जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, और डिस्प्लेसमेंट है प्लस आर। यहाँ पर फिर से देखिए प्लस आर लिया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पर पैरामीटर यू ए टी एस। फ्रेंड्स, ये पैरामीटर सेकेंड इक्वेशन में होते हैं, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो यू इंटू यू यू मीन्स यू कॉस थीटा टी इंटू कैपिटल टी, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा जी, कैपिटल टी की वैल्यू है टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा जी। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, इसीलिए रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। फ्रेंड्स, रेंज की वैल्यू अगर आप चाहें तो याद रखें, ना रखें कोई इतना ज़रूरी नहीं है, याद रखते हैं तो बेहतर है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक स्पेशल केस एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे कहा गया है कि एक 20 मीटर हाइट का पोल है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, लेट अस कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, वाई डायरेक्शन मीन्स नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस ट्वेंटी मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो और एक्सीलरेशन है -10। अब फ्रेंड्स, वर्टिकल मोशन में अगर आप देखो, क्योंकि वर्टिकल मोशन में अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ ली जाती है तो उसको हमेशा निगेटिव लिया जाता है। जैसे एक्सीलरेशन उसको निगेटिव लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट उसको निगेटिव लिया जाता है, वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो उसको भी निगेटिव लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट -20, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन -10, टाइम हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, एस यू ए टी, ये फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन में आते हैं पैरामीटर्स, इसीलिए सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखी -20 इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ -10t स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम टेकन की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। फ्रेंड्स, लेट अस कंसीडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन।
लेट अस कंसीडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, वर्ट जब भी हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा होता है तब हम अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर वर्टिकल में अगर ऑब्जेक्ट नीचे आए चाहे ऊपर जाए, डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स उसको निगेटिव लिया जाएगा। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, लेट अस कंसीडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 है, टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो फ्रेंड्स एक्सीलरेशन है नहीं तो वी एक्सीलरेशन है नहीं तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं रेंज इज इक्वल टू यू टी। तो 5 × 2 से 10 मीटर आ जाएगा ये। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, तो फ्रेंड्स अगर हम ये बात करें कि जस्ट बिफोर रीचेज इट ग्राउंड, तो फ्रेंड जब ये जस्ट बिफोर रीच द ग्राउंड वाली सिचुएशन होगी फ्रेंड्स, तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। एक इसकी होगी वर्टिकल वेलोसिटी जिसको हम vy बोल रहे हैं, एक होगी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसको हम vx बोल रहे हैं। अब फ्रेंड्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ux बराबर होगा vx के और यह है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन -10 था, टाइम 2 सेकेंड था, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे vy इज इक्वल टू ui प्लस यू वी इज इक्वल टू यू प्लस at। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 0 − 10 × 2 यहाँ से vy की वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 5i कैप। आई कैप हमें हॉरिजॉन्टल दिखाता है डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और -20j कैप, जे कैप वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस को दिखाता है वाई कंपोनेंट, और ये है माइनस में क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसीलिए इसको माइनस में लिया गया है। तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम वेलोसिटी फाइनल दिखाएं इसकी पार्टिकल की तो ये हो जाएगी 5i कैप -20j कैप। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें फ्रेंड्स तो हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं v = vx² + x कंपोनेंट का स्क्वायर + y कंपोनेंट का स्क्वायर। उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5² + -20² √ ये आ जाएगा √425 मीटर पर सेकेंड। इसमें फ्रेंड्स एक पैरामीटर और कैलकुलेट करवाया जाता है, वो फ्रेंड्स ये है कि जब ये पार्टिकल हिट किया तो किस एंगल पे हिट किया। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है। ये अगर इसको हम एंगल थीटा माने तो हम इसको अगर तो अगर आपको वेक्टर एलजेब्रा थोड़ी बहुत आती होगी तो फ्रेंड्स इसको इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर उठा के रख सकते हैं और इसमें टैन थीटा लगा करके परपेंडिकुलर बाई बेस वी बाई वी एक्स से ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एंगल कैलकुलेट किया जाता है कि किस एंगल पर ऑब्जेक्ट ने हिट किया है ग्राउंड को, तो एक ये पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और केस बनता है 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो ये है कि एक पोल है सपोज करिए 20 मीटर हाइट का, उस पोल पर से बॉल को किसी पर्टिकुलर एंगल पर हवा में थ्रो किया गया है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है
30 डिग्री एंगल पर 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। तो फ्रेंड्स इसका और यहाँ पर अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। तो फ्रेंड्स एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, उस कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा मीन्स 30 कॉस 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15√3। इसके अलावा इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई, वो कितना होगा 30 sin 30, वो हो जाएगा कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक यू वाई एक यू एक्स। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स हम मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे बॉल को लाना आसान है। तो फ्रेंड्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट माइनस ट्वेंटी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने फिर से माइनस में लिया है, माइनस में इसीलिए लिया है क्योंकि सारे पैरामीटर, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। और एक्सीलरेशन कितना हो गया, -10। टाइम टेकन हमें कैलकुलेट करना है, USAT सेकेंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT + ½AT² -20 = 15T + ½ - 10T² -4 = 3T - T². इसको और सॉल्व करें, T² - 3T - 4 = 0। इसको और सॉल्व करें तो ये जो -3T है ये ब्रेक हो जाएगा -4T + T में, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक रिजॉल्व होकर बनेगी T+1 × T - 4 = 0। तो यहाँ से T की दो वैल्यूज आएंगी, T = -1, T = 4। -1 नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और T = 4 लिया जाएगा, दैट मीन्स 4 सेकेंड के बाद ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम मोशन इन एक्स डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 15√3। एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल, 0। टाइम कितना लिया गया, 4 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसको S = UT + ½AT² में अगर हम रखें तो A की वैल्यू 0 होगी, तो S = UT हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U × T, 15√3 × 4, 16√3 meter। अब यहाँ पर हमसे फिर से पूछा गया फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना लिया है 4 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो V = UT + ½AT लगा देते हैं, V = UT + ½AT लगाएंगे तो U की वैल्यू क्या है 15, एक्सेलरेशन -10, टाइम 4, सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 15 - 40, आएगी वैल्यू -25। -25 में माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ये डाउनवर्ड पैरामीटर की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिखें तो ये आएगी 15√3 i कैप और -25 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे फ्रेंड्स तो आएगा 15√3² 25² √, इसकी वैल्यू आएगी 36.05 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये था 2D प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा, बाकी
ये जो भी पढ़ाया है इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर रिवीजन करने के लिए चाहिए होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।